आपने देखा था जीरो इन द एंड, ठीक है, एंड में कितने जीरो आते हैं, तो उसी का ये पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड है ये, उसी का ही जीरो एट द एंड। उसमें सिंपल नंबर का था भाई, सिंपल नंबर का था, उसमें देख लिया था आपने। मान लीजिए आपसे कहे कि भाई 5 की पावर 284 मल्टीप्लाई 7 की पावर 283 मल्टीप्लाई 2 की पावर 241, इस नंबर के जो मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो अब मैंने आपको ये रूल बताया था कि 5 की और 2 की पावर चेक करनी है आपको, क्योंकि 7 का तो कुछ हो नहीं सकता ना, 7 का 5 बन सकता ना, 2 बन सकता ना, इसे हम 2 नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं कि 5 और 2 आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो 5 की सब और 2 की पावर चेक करेंगे तो 2 की पावर 241 सबसे छोटी जो पावर है वही आपका आंसर हो जाएगा, तो 241 जीरो आएंगे इसके लास्ट में, ठीक है, इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे 241। तो हमने आपको बताया था कि अब हम फैक्टोरियल के बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसी में फैक्टोरियल होता क्या है, एक बार पहले वीडियो डाली थी हमने, उसमें बताया भी था, बाकी दोबारा मैं बता रहे हैं आपको। जैसे 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 5 से शुरू होकर इसकी मल्टीप्लाई कहाँ पे खत्म होगी, 1 पे जाके खत्म होगी। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ एक्स फैक्टोरियल कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, x मल्टीप्लाई x-1 मल्टीप्लाई x-2 मल्टीप्लाई, और ये कहाँ पे खत्म होगी, 1 पे खत्म हो जाएगी फैक्टोरियल का सिंबल। तो फैक्टोरियल में क्या करेंगे, फैक्टोरियल को 2 तरीके से, कई बार जनरली ये भी लिख देता है कोई 5 फैक्टोरियल और कोई ये भी लिख देता है, दोनों चीजें सही है, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो किसी प्रकार से भी, दोनों फैक्टोरियल ही है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं। अब जैसे आपने 5 फैक्टोरियल को सोल्व किया थोड़ी देर के लिए, तो देखिए 5 4 20 23 60 62 120 120 है, कितनी जीरो है, 1 जीरो, ठीक है। अब कैसे किया सोल्व आपने, तो बताता हूँ आपको तरीका। देखिए 5 फैक्टोरियल है, नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे, टोटल 5 काउंट करने हैं हमें सिर्फ। 5 कैसे काउंट करने हैं, 5 फैक्टोरियल 5 नंबर ले लीजिए, 5 है, इसको 5 से डिवाइड करिए कितना आएगा, 1। 5 को 5 से डिवाइड किया कितना आया आपके पास, 1 आया, तो 1। अब 1 को दोबारा 5 से करेंगे तो जाएगा, नहीं तो आया 0, 0 आया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 प्लस 0 1 हो गया, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस कितनी आई हमारे पास, 1 आई, चेक कर सकते हो 1 आ गई, ठीक है। अब आपका जवाब ये भी 6 होता तो क्या करते हो, बिल्कुल सही बात है, किसी का बात हो सकती है 6 फैक्टोरियल में, तो 6 को 5 से डिवाइड, नंबर ऑफ 5 बनाना है हमें, तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट आए, लेकिन पॉइंट के बाद वाला नंबर आपने नहीं लेना है, 5 बन जा 5। अब 1 को 5 से करिए 0, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, इसमें भी 1 ही आएगी, ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेंगे। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 125 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, क्वेश्चन हमारा सीधा है, 125 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, 125 फैक्टोरियल देखिए कैसे सोल्व करेंगे, नंबर ऑफ 5 निकालेंगे पहले, तो 125 नंबर, इसको 5 से डिवाइड करिए, 25 आया, कोई दिक्कत नहीं, 25 को फिर 5 से डिवाइड करिए, 5 आया, 5 को फिर 5 से डिवाइड करिए, 1 आया, अब 1 को फिर 5 से डिवाइड करिए, 0 आया। अब इन सब को प्लस कर दीजिए, 25 प्लस 1 26, तो इसमें कितने जीरो आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी हमारे पास, 26 आ जाएंगी, ठीक है, ऐसे हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। नहीं 25 प्लस 5 30 प्लस 31 आएंगे, 26 नहीं 31 आए, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखना आप भी, 31 नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास कितनी आई, 31 आई। अब मान लीजिए मैं 120 फैक्टोरियल की बात करूं तो कैसे करोगे, 120 फैक्टोरियल देखो, 120 को पहले 5 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ 5 काउंट कर लो सिर्फ, 5 2 10 और 5 4 20 24 5 हो गए। अब 24 को फिर 5 से डिवाइड करिए, 24 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 24 पॉइंट मतलब आएगा, लेकिन 4 लेना है तो
अब 4 को फिर 5 से करिए 0, अब इन दशम कर दीजिए 28, तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास कितनी आई, 28 आ गई इसमें। ठीक है, अब बात आ रही है कि हम इस नंबर को 5 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, बात यही है क्योंकि देखिए 1 से 125 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 से लेके और नंबर कहां तक मल्टीप्लाई है 125 तक, तो भाई एक तो देखिए हम 2 को छाटे तो 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आ जाता है 2, 8 में भी आ जाता है 2, तो काफी लंबा टाइम होगा ना भाई। 2 को अगर काउंट करेंगे तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, हमें क्या क्वेश्चन क्या करना है, छोटा करना है, तो छोटे में क्या इजीली काउंट कर सकते हैं हम, 5 कर सकते हैं भाई, 5 या तो 5 में आएगा, 10 में आएगा, या फिर किस में आएगा, 15 में, 20 में, तो ऐसे 5 तो ज्यादा डिफरेंस के साथ आ रहा है, जबकि 2 तो हर दो नंबर छोड़ के फिर आ जाता है 2, तो हम किसको काउंट करेंगे, 5 को काउंट करें, इसीलिए हम 5 को काउंट कर रहे हैं टोटल, क्योंकि 5 की पावर छोटी आएगी, 2 ज्यादा आएंगे तो 2 की पावर ज्यादा आएगी, लेकिन हमें लेनी कौन सी छोटी पावर लेनी है, इसलिए हम 5 को काउंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि बताइए 1 से लेके 100 तक 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 अप टू 100 कितने जीरो आएंगी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर मत करने लग जाएंगे क्योंकि काफी लंबी मल्टीप्लाई हो जाएगी, थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, देखिए 100 से शुरू हुआ खत्म कहा हुआ 1 पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 100 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नंबर ऑफ 5 काउंट कर लीजिए, तो पहले 100 को 5 से डिवाइड करो 20, अब यहाँ पे 20 को फिर 5 से डिवाइड करो 24, ठीक है हो गया, अब 4 को फिर 5 से डिवाइड करो 0, तो कितना है 24, तो इसमें कितनी जीरो आएंगी लास्ट में 24 जीरो आएंगी। ठीक है, मैं से आप काउंट करके देखना, ठीक है ना भाई, पहले 100 को आप 5 से डिवाइड करोगे 20 आए, 20 को फिर 5 से करो 4 आएगा, 4 को फिर 5 से करो 0, तो मतलब इस तो सब की मल्टीप्लाई करेंगे इन सब की, तो लास्ट में कितनी जीरो आएगी 24 जीरो आएगी, करके देख लेना अगर किसी को डाउट हो तो। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि भाई 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई अप टू मल्टीप्लाई 1000 इसमें कितनी जीरो आएगी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इसको पहले को मैं 10 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूं, 20 को मैं 10 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई 30 को मैं 10 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ, 40 को 10 मल्टीप्लाई 4 लिख सकता हूँ, अप टू इसको क्या लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाई 100 1000 आ जाएगा ना। अब मैं 10 को मन ले लेता हूँ तो दैट फिर 10 1 2 3 ऐसे 100 बार है, तो 10 की पावर 100 हमने बाहर ले ली इनटू, अब 10 बाहर चला गया तो 10 बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बचा 1 मल्टीप्लाई, 10 बाहर चला गया तो 2 मल्टीप्लाई 3 और ये लास्ट में क्या बचा हमारे पास 100 बच गया। अब कैसे सोल्व करें, देखिए 10 की पावर 100 तो ये रहा हमारे पास 1 2 3 और ये 100 है, इसको मैं 100 फैक्टोरियल लिख दूं तो कोई गलत नहीं होगा क्योंकि 1 पे खत्म है 100 से हमारा, ये देखिए 100 से शुरू था 1 पे खत्म हो गया वापस, तो 100 फैक्टोरियल लिख सकता हूं इसको। अब मैं फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेता हूं, पहले 100 को पहले 5 से डिवाइड करें, नंबर ऑफ 5 काउंट करने हैं 20 आए, 20 को फिर 5 से काउंट करिए 4 आया, 4 को फिर 5 से काउंट डिवाइड करिए 0 आया, तो 24 कितने 5 की पावर यानी 24 तो हमारी ये होगी। ठीक है, अब यहां पे पहुंचे हम 10 की पावर 100 है, मैं 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ और इसकी पावर क्या लिखी मैंने 100, तो आपने कुल पढ़ा था a मल्टीप्लाई b की पावर अगर m हो तो a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, यानी कि जब बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो पहले की पावर सेम रह जाएगी, और किसका सिंबल लग जाएगा बीच में, मल्टीप्लाई का सिंबल लग जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 100 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 100, तो 2 की पावर 100 ही रही, 5 की पावर 100 ही रही और 24 ही रही, तो 5 की पावर कितनी होगी 124, तो 2 की पावर 100 मल्टीप्लाई 5 की पावर 124 बताइए कितने जीरो आएंगे इसमें,
तो कितनी आएंगी, 2 की पावर 100, इसमें 0, यानी कि 100 जीरो आएंगे इसके आंसर में। कितने जीरो आ जाएंगे हमारे पास, 100 जीरो आएंगे। लेकिन कोई निकालने के लिए चाहिए तो आप निकाल सकते हैं उसको आराम से, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें आप एक बार कोशिश करके देखना, मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ अभी क्वेश्चन, ठीक है, कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × और ये 50, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी जीरो आएगी, इस नंबर जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इसके लास्ट में जो है कितनी जीरो आएगी आपको ये बताना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इससे पहले मैं करवा देता हूँ आपको, 2 × 4 × 6 × 8 × 1000 तक है मान लीजिए, इसमें कितने जीरो आएंगे हमसे पूछे तो आप तो एक दो भी नहीं है, वो चक्कर भी खत्म हो गया, ठीक है ना। इसको 100 तक हम कर रहे हैं तो चलो 100 तक कर लेते हैं पहले, इसको 100 तक कितने जीरो आएंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 × 2 लिख सकता हूँ इसको, 4 × 2 लिख सकता हूँ, 6 × 2 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 8 × 2 × 4, और ये कहाँ तक चलेगा, 2 × 50 तक। अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो 2 कितनी बार बाहर आ जाएगा, 50 बार, यानी 1, 2, 3 लास्ट देखिए 50 तक है, 2 की पावर 50 होगी बाहर हमारे पास। अंदर क्या बचा, 1 × 2 × 3 × 4 × 50 तक, यानी 50 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ इसको, 2 की पावर 50 × 50 फैक्टोरियल। मैंने रूल बताया था आपको, 50 फैक्टोरियल में कितने 5 आएंगे, पहले 5 काउंट कर लीजिए क्योंकि 2 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 5 काउंट करेंगे, 5 कितने आते हैं, तो 50 को 5 से डिवाइड करिए 10, अब 10 को फिर 5 से डिवाइड करिए 2, 10 और 2 कितने हो गए 12 हो गए अपने पास, तो यानी कि 5 कितने आएंगे 12, 2 आएंगे 50, 5 आएंगे 12, तो आंसर क्या आएगा 12, तो इसमें कितने जीरो आएंगे हमारे पास 12 जीरो आएंगे। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है। अब मैं आपसे आप जनरली ये भी पूछना चाहोगे कि भाई ओड नंबर में कितनी मल्टीप्लाई आती है, जैसे 1 × 3 × 5 × 7 × 999 तक हो तो इसमें कितनी जीरो आएंगी, तो एक बार थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, मल्टीप्लाई जीरो तभी आती है जब इवन नंबर होगा उसमें, ओड में कभी जीरो आ ही नहीं सकती, तो कितनी जीरो आएंगी इसमें, जीरो, मतलब एक भी जीरो नहीं आएगी हमारे पास उसमें। तो आप इस तरह के क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करना एक बार, और ये क्वेश्चन है कि कमेंट बॉक्स में आप डाल देना करके कितना आएगा, ताकि आपका रिप्लाई है वो दे सके हम आराम से, ठीक है। तो अगली जो वीडियो हमारी वो जल्दी है।